मुस्लिम देश बनता है तो उच्च पदवी देने का प्रलोभन दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस प्रलोभन को, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारत का मान सम्मान स्वाभिमान ये महत्वपूर्ण था। ये उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर और कहा, इस्लाम का भाईचारा ये मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं, ये मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बाबा साहब ने जब इतनी ऐसी बातें की है, उन बाबा साहब को के खिलाफ, बौद्ध धर्म के खिलाफ एक जहर परोसने का काम एक कांग्रेस का एक्स एमएलए कर्नाटक का सैयद आदित्य खादरी कर रहा है। ये नैरेटिव खड़ा करके कांग्रेस फिर से एक बड़ा झूठ हिंदुस्तान में बोल रही है। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, ये झूठ का नैरेटिव, ये झूठ की फैक्ट्री ये जो आप चला रहे हैं, इससे भारत का ये बहुत अनुयायी है, बाबा साहब अंबेडकर का जो करोड़ों अनुयायी है वो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। कांग्रेस के इस पाप की सजा तथागत बुद्ध के करोड़ों अनुयायी, बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी आने वाले समय में देंगे, क्योंकि पूरे देश से मेरे पास फोन आ रहे कि कांग्रेस के लोग कैसा झूठ बोल रहे हैं। और दो दिन हो गए, दो दिन के बाद भी कर्नाटक के अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते राजेंद्र खड़गे जी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, नाना भाई पाटले ने कोई भी बयान नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस के हरियाणा के नेता कांग्रेस के और पटोले जी बाबा साहब के दिए गए आरक्षण को खत्म करने का राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका समर्थन उल्टा करते हैं, यानी कि बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोलते हैं। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस पर माफी मांगना चाहिए। ये तथागत बौद्ध धर्म और बाबा साहब का ये बड़ा अपमान है, इस अपमान को बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी, बाबा साहब अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी इसको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।